कलबुर्गी सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉलम बॉक्स कॉन्ट्रैक्टर और लिफ्ट कॉन्ट्रैक्टर के बीच पब्लिक गार्डन में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। इस मीटिंग का मकसद एसोसिएशन के रूल्स के मुताबिक तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच आईडी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। आईडी कार्ड से एक सही कॉन्ट्रैक्टर की पहचान की जाएगी और शहर में तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए एक रेट फिक्स किया गया है, जिससे कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर या बिल्डिंग ओनर्स के बीच कोई धोखा या परेशानी नहीं होगी। हर सेंटरिंग और लिफ्ट कॉन्ट्रैक्टर को एक दूसरे की जरूरत होती है। एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने यह फैसला लिया है कि जो कोई भी आईडी कार्ड नहीं बनाएगा उसको बायकॉट किया जाएगा। तमाम कॉन्ट्रैक्टर को एक महीने का वक्त दिया गया है। गुलबर्गा शहर के कॉन्ट्रैक्टर्स को आईडी कार्ड बनाना होगा और एसोसिएशन के बनाए रूल्स के मुताबिक काम करना पड़ेगा। इस मौके पर तमाम जिम्मेदारों ने मजीद क्या कहा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत खुशी की बात है कि लिफ्ट वाले की जो है ना यूनियन और हमारे कॉलम बॉक्स की अभी यूनियन नहीं बनी, लेकिन लिफ्ट वाले की यूनियन बनी हमको खुशी की बात है। और ऑफिस में कोई आदमी सेंटरिंग वाले आ रहे नहीं, वो इसलिए नहीं आ रहे, उनका ही भलाई है, उनको जो है ना उनके लिए फायदे के लिए हमारे अलाउद्दीन भाई खान साहब जद्दोजहद मुसलसिल एक साथ से जद्दोजहद कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उनको उनका फायदा है। कोई लिफ्ट में प्रॉब्लम हो, मतलब कोई काम करते वक्त प्रॉब्लम हो ऑफिस को है, तो उनको पैसे दिया जाता, हर चीज़ दिया जाता और रेट भी अच्छा फिक्स हो जाता, तो एक यूनिटी होती। हम लोग भी ऐसा बनेंगे क्योंकि आजकल इतना हम करोड़ रुपए का मटेरियल दे रहे हैं उनको, लेकिन क्या यहाँ मिल रहा है तो दूसरे पास से ले रहा है, तीसरे पास ऐसा जो है ना चल रहा, तो क्यों चल रहा हो? कम रेट लेने की वजह से कम रेट ले रहे और छोड़ के भाग जा रहे। इसमें क्या हो रहा? अच्छे लोग जो रेट लेने वाले उनको भी परेशानी है, कम रेट जो ये कर रहे उनको भी परेशानी, मटेरियल दे के भाग जा रहे। तो फिर हमको क्या बोल रहे हैं, नहीं जी जिसको लेना है उसको लेकर आओ, बाद में हम तुम्हारा मटेरियल देंगे। ये जो है ना बहुत सी चीज़ें हो रहे हैं। मैं इसी वजह से मैं हमारे अलाउद्दीन भाई को बोला भाई हम भी एक यूनियन बनाते, अब जो हम लोग यूनियन के अंडर में हम काम करते हैं, लेकिन हमारे जो मसले हैं यूनियन वाले सॉल्व करना। यूनियन वाले क्या है, जल्द से जल्द कार्ड रिलीज करेंगे। क्यों बोले तो हमारा क्या होता, डेली का हमारा गोडाउन का वो कह रहा है 15,000 सैलरी निकालना पड़ता आदमी, अगर एक आदमी को नहीं दिया तो हमारा पेमेंट कौन देगा आदमियों का? तो यूनियन वाले सोचना चाहिए कि जल्द से जल्द जो है ना रिलीज करो, इंशाल्लाह हम यूनियन के अंडर में काम करेंगे और यूनियन जैसा बताए वैसा हम काम करेंगे। ये जो गार्डन में जो पब्लिक जो जुड़े हुए हैं इसके लिए जुड़े हुए हैं, और सेंट्रिंग यूनियन और लिफ्ट वाले यूनियन पूरे दिन क्या मालूम है ये गुट होने के लिए, इसके लिए समझो जुड़ रहे हैं। कई मसले हो रहे हैं, वो मसले नहीं होना बोल के समझो ये गुट हो रहे, और आगे आने वाले दिन में सेंट्रिंग वाले हर गुत्तेदार ऐसा कार्ड बनाना, हर गुत्तेदार और समझो लिफ्ट वाले ये जो है ना ये लिप वाले ये कार्ड होना और ये गाड़ी को नंबर प्लेट होना, अगर ये होंगे तो आगे मसले नहीं होंगे। इसके लिए कैसा मालूम है आगे नेक्स्ट एक महीना हम टाइम दे रहे, किसके लिए टाइम दे रहे, हर सेंट्रिंग गुत्तेदार को, अगर ऐसा कार्ड बनेगा तो इंशाल्लाह उनके छत डालेंगे लिफ्ट वाले, अगर नहीं डाले तो उनके काम नहीं करेंगे। और नेक्स्ट क्या मालूम है, लिफ्ट वाले अगर ऐसा कार्ड बनेंगे लिफ्ट वाले हर लिफ्ट वाले तो उन्होंने सेंटरिंग गुत्तेदार उनको काम देना, अगर जो मसले हुए समझो कि हम हर मसले होते, अगर सेंटरिंग गुत्तेदार अगर जो भी मसला हुआ अगर लिफ्ट वाले हमको बोले दे, अगर हमारा जो मसला हो लिफ्ट वाले का मसला होता हम वो जो हमारे लिफ्ट वाले उनको बोलते हम, और ख़ास करके हमारे जो नागर वाले जो लिफ्ट वाले हैं क्या ये नागर वाले लिफ्ट वाले जो है बोल रहे हैं बहुत मसले आ रहे हैं। क्या मसले आ रहे मालूम है, कम से कम वो चार दिन में एक तो फोन आते हैं, इसके लिए फोन आता वहाँ से नागरे से निकलते बोलते हैं, निकलते बोलने पर क्या होगा मालूम है 20 रास्ते में जो हमारे जो मसले बोल रहा था जो नागरे वाले लिप बोले गए कई मसले समझो चार दिन में फोन आ रहे, इसके लिए फोन आ रहे वहाँ से 9 बजे तक आतुम बोलते गए थे, आतुम बोलते सुबह में यहाँ सीमेंट बाहर मारते या साइड पर नहीं पहुँचते, क्या उसके लिए हम ये मीटिंग इसके लिए करे, आप लोग जिम्मेदारी से सही बोलो झूठ मत बोलो, अगर कोई अगर 1,500 ज़्यादा देंगे उनके मत डालने का ये मत करो, अगर तुम सेंटरिंग का कर अगर समझो सेंटरिंग गुत्ते को सताया हमको यूनियन बोलो हम उसको मसला ये करते, अगर हर समझो नागरों वाले कोई भी रंदे यहाँ के जो गुलबर्गा जो लिफ्ट है उनमें जैन हो जाओ, सबका अच्छा समझो इसमें सबका भला है,
और हमारे जो जो रसीद में जो बोल रहे थे समझो कहीं गुत्तेदार आए पेमेंट नहीं दे रहे बोल के, ये पेमेंट देना जरूरी है, हर गुत्तेदार भी पेमेंट देना जरूरी है, छत डालते हैं पेमेंट देना, वो पार्टी दो मत दो वो सही नहीं है, घूस रूस है। और जो रसीद में जो बोल रहे थे वो पेमेंट के बारे में बोल रहे थे ना, जो आदमी आया कि पेमेंट ज़्यादा दे रहे बोल के, ये काम करो तुम हम मिलो मिलके जो नाके पे जाकर बंद करेंगे, जो खून ज़्यादा दे रहा पेमेंट हो उसको रुकेंगे, ये बोलने से मैं बात खत्म कर रहा हूँ। ये तमाम लोग जो जमा हो गए, एक मुद्दा है वह अपना, ये मुद्दा ये है कि लिफ्ट वालों को जो जमा किए कि कार्ड बना ले, जितने भी लिफ्ट वाले के कार्ड नहीं है पहले अपने यूनियन वाले के पास कार्ड बना ले, उनसे उनके साथ ज्वाइंट हो जाओ और उनके साथ मीटिंग करके आपस में क्या बात करना है आप डिसाइड कर लो। आपकी यूनियन है, आप जितने भी नागौरी वाले जितने भी आसपास वाले देहात वाले जो लिफ्ट वाले हैं पूरे ज्वाइन हो जाओ पहले, उसके बाद हमारा जो भी मुद्दा है सेंटरिंग का कार्ड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताए। तकरीबन गुत्तेदारों को ये बोल रहा हूँ भाई कि कार्ड बना लो, आने वाले एक महीने के बाद जो है ना कार्ड रहा तो लिफ्ट वाले आपका छत डालेंगे वरना नहीं डालेंगे। ये इसलिए बता रहे हैं कि भाई आ रहे नहीं हाफिज़ को, हम बार बार बुला रहे हैं तो आ रहे नहीं, इसके वजह से जल्द से जल्द जो है ना कार्ड आप बना लो, एक महीने का हम टाइम दे रहे हैं आपको। और जहाँ तक आपका जो सवाल है, ये जो कार्ड है ये कार्ड ऐसा तुम्हारे पास तकरीबन जितने भी गुत्तेदार नहीं बने अपना अपना कार्ड बना लो। और एक चीज़ आने लिफ्ट आगे आने वाले दिनों में आगे एक महीने के बाद आप लिफ्ट वाले आपका ये कार्ड रहा तो लिफ्ट ये डालेंगे नहीं तो नहीं डालेंगे छत, इसीलिए कार्ड बना लो। मैं सेंटरिंग एसोसिएशन की तरफ से बात कर रहा हूँ और लिफ्ट वाले भी मौजूद है, सेंटरिंग वाले भी मौजूद है, सेंटरिंग वाले कम है लिफ्ट वाले ज़्यादा है, सेंटरिंग वाले नहीं है ये सेंटरिंग वाले को हम 15 दिन से बोल रहे हैं, 16 तारीख को मीटिंग है बोलकर तो भी नहीं मान रहे। अब ये एक गुट करने के वास्ते हम सेंटरिंग वाले को बुलाने के वास्ते हमारे ग्रुप में ज्वाइंट करने के वास्ते ये मीटिंग रखे हैं तो भी नहीं आ रहे, उन्होंने नहीं आने के बाद हम लिफ्ट वाले को हम ये तय किए हम काम तुम्हारा सेंटरिंग एसोसिएशन कार्ड रहा तो छत डालना नहीं तो नहीं डालना बोले सो है। कब तक? एक महीने तक हम ये बोलते रहेंगे, एक महीने तक लिफ्ट वाले भी बोलते रहेंगे, एक महीने तक। एक महीने के बाद अगर उन्होंने जल्दी लिखा दिया हमारे पास रजिस्टर में एंट्री रही तो भी हम बोलेंगे डालो बोल के, अगर इनका कार्ड नहीं रहा हमारे पास एंट्री है उन्होंने बोले सेंटरिंग वाले है भाई हमारे पास बोले तो हम डालो बोलेंगे, नहीं है तो उसका काम एक महीने के बाद नहीं डालना। और लिफ्ट वाले का भी अगर एसोसिएशन कार्ड है तो उसे काम देना आप लोग, नहीं तो नहीं देना किसी को, समझे। और सेंटरिंग का रेट भी आड़े तेड़े कम रेटा ले रहे नहीं, और बोले तो क्या बोल रहे हमारा वो रेट है ये रेट है, रेट है तो फिर ये मसले कहीं को होते हैं नहीं होते, सेंटरिंग छोड़ छोड़ को भाग रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं पार्टी सेंटरिंग क्या करना जी, पार्टी सेंटरिंग वाला सता रहा है बोल रहे हैं, सताने की वजह यही है कम रेट रहने की। हमारे पास दिन में कई फैसले आते हैं, सेंटरिंग वाला सता रहा है पार्टी सता रहा है, फिर उसकी कुछ तो एक ये है नहीं, एक हमारे पास ये यूनियन कार्ड रहा तो हम आगे बढ़ के एक फैसला करेंगे, नहीं तो नहीं करते हम। 20 बोले तो 120 से लेना, वो भी कार्ड वहाँ आपको लेना कोटिचन हाफिज में, नहीं तो उनको काम नहीं देना, काम बंद करेंगे, हाँ उनको काम देंगे नहीं, 11 करोड़ 16 करोड़ 15 करोड़ फिक्स रहना। अब वो तकलीफ रहता 1000-2000 रुपए तुम ज्यादा देना, देखे सामने आते नहीं है तो जब बोलो, मैं बोल रहा ना सब जने एक ही रेट, अयुब करने जाकर लेना हमारे अलादीन के पास आपको लेना कोटेशन, जब तक काम नहीं देना वो कमरा आधा कमरा रहने दो कमरे रहने माल मेटल के साथ लो या उंडा कुत्ता लो, बड़ा काम रहा 30-40 का 20-40 का 40-60 का तुम रेट बढ़ा के लो, तुम उन्हें 100 में मांग को कहते चोरी से, मैं तुम्हारे को कम में लेते 100 रुपए से दो बोलते, ये नवत ऐसे कहेंगे हम ही छोड़ को नहीं। गार्डन में हम 16 तारीख का आपके चैनल के माध्यम से हम बात किए थे, नमो चैनल माध्यम दे दो ना मा तड़े दिए 16 तारीख जुलाई गार्डन का मीटिंग अदन थ्री दिए आज अदक्के ना इवत वस्तु नम अण तमंदरु नम भागदवरु वस्तु मदि बंद इल्ली पब्लिक गार्डन नम भेटियागर अदु नाव लिफ्ट मत्त सेंट्रिंग एरडु केलस लिंत नम स्वल्प स्वल्प ओळगळ गद्दल इद्दु अदु क्लियर माडबेकंत बंदिवि इवत क्लियर आगेद इवत ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ನಾನು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅವರಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ದವ್ರಾಗಲಿ ನಾನು ಲಿಫ್ಟ್ದವ ಹಾಂ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ದವ್ರಿ ಇವ್ರು ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ದವ್ರು
अच्छा अब सेंटरिंग दौर में तो प्रॉब्लम है तो नमक फोन भरता है लिफ्ट दौर प्रॉब्लम निमुख भरता फोन एक्चुअल है करेक्ट है यार दौर आत अलग सोल ये ना ये लोग समक्ष देगा वन ये एक मात कर रहा है बैक अंतर है ये ना वन कुंती दो अच्छे मंदी ये लोग करेक्ट है ये लोग मात कर करेक्ट है वो आने हर रे ये लोग का प्रॉब्लम इन लोग का ये ना ये बैक अंतर है ಯಾರ ಬಂದ್ರೆ ಇದೇ ಇರ್ತಾವ ನಂದಂತೂ ಇಲ್ಲ ನಂದನೂ ಇರ್ತಾವ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೇಡ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅದೇ ಮಾತಾಡೀನಿ ಈಗ ಅದೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಅದು ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಶಿವ ಗುತ್ತಗಾರರು ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ದೋರ್ ಕುಸುನವರು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಗುತ್ತಗಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನ್ ಗುತ್ತಗಾರಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಇದರಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮದೇ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಸಿದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಯೂನಿಯನ್ದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಯೂನಿಯನ್ದಾಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ವಿನಂತಿ ಎರಡನೇದು ಯೂನಿಯನ್ ಈ ಮಷಿನ್ ಗುತ್ತಿದಾರ್ಗಳಿಗೆ ಯೂನಿಯನ್ದಾಗ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದವ್ರನ್ನೇ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮದು ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಈ ಟೈಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಯೂನಿಯನ್ದವ್ರು ಇದು ಕಾರ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮಷಿನ್ ಹಾಕೋರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಬೋದು ಇದು ಹಾಕಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಹಾಕ್ಬೋದು ಹಾಕ್ಬೋದು ಇದು ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಯೂನಿಯನ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಟೈಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ ಮಷಿನ್ದವ್ರಿಗೂ ಒಬ್ರು ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯೂನಿಯನ್ ಅದ ಒಬ್ರು ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ನೀವು ಯಾರಿಗರೆ ಕಳಿಸ್ರಪ್ಪ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇವರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಆತವು ಭಾಳ ಅವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರೇಟ್ ಅದ ಅಂತ ಇವ್ರದ್ದು ನಾಳೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಯಾರಂತ ಅದನ್ನೂ ಬರಬಾರ್ದು ಅವ್ರು ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಈ ಕಡೆ ಯಾವಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂನಿಯನ್ದವ್ರಿಗೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇವರು ಮಷಿನ್ ಯೂನಿಯನ್ದವ್ರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆತಾರ ಅವರು ಆ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡೇ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಕೇಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಲಿಫ್ಟ್ದವರು ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾಕೆ ಸೇರಿದೇವೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸೋ ಸಲ್ಯಾಕ ಸೇರಿದೆ ಯೂನಿಯನ್ ಭಾಗ ಸಲ್ಯಾಕ ಅವ್ರ ಬಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಲಿಫ್ಟ್ದವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಅವ್ರು ಸತ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅವ್ರ ಬಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಾಕಲ್ಯಾಕ ರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸೇರಿದೇವೆ ರೀ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಲಿಫ್ಟ್ದವರು ಆಗಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ದವ್ರು ಆಗಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೇಸಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸರಳ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಗುತ್ತಿರೋರು ಸುಳ್ಳಬಾರದು ಇವತ್ತು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಲಿಫ್ಟ್ದವರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪೆನಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ರಿ ನೀವು ಏನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಆ ಸುಳ್ಳು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಹಿಡಿದ್ರು ಆಟೋ ಹಿಡಿದ್ರು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾರ ಒಂದು ಅರ್ಧಂಗೆ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಲಿಫ್ಟ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಳಿಸಿ ನಡಿಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಗುತ್ತಾರ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರ ಇವ್ರು ಲಿಫ್ಟ್ದವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರ ಏ ಆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ ನಾಳೆಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಲುಕ್ಸಾನಮ್ಮ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರೇಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ರೇಟ್ ಮಾತಾಡೋದು ಅವತ್ತು ರೊಕ್ಕನೇ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಜಲ್ದಿ ನೀವು ಸಂಜೆಗೆ ಬರ್ರಿ ನಾಳೆಗೆ ಬರ್ರಿ ನಾಡ್ದು ಬರ್ರಿ ಅದು ಹೊಸ ಮಂದಿ ಲೇಬರ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ದಯ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಈಕ್ವಲ್ನಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ನಡೆದೇವು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾತಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು 14 July ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಳಗದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಲಿಫ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಹೆಗ್ಲಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಪೀಸ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹಗ್ರಗಾ ರೋಡ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಬಾ ನಗರ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಅರಾಬಿಕ್ 2023 ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್